लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आपने ट्यून इन किया है माय क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का पांचवा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों के बीच चेन्नई के MH नंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से 11 खिलाड़ी हैं जो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस होंगे दोनों ही टीमों में। साथ ही दोस्तों, उन खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन पर नजरें रहने वाली है, मतलब प्लेयर टू वॉच आउट फॉर की ही बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 की कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स में एक चेंजेस हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों इनके ओपनर्स की बात करें तो सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे क्रिस लिन के साथ। नंबर 3 पर रॉबिन उथप्पा, नंबर 4 पर नीतीश राणा, नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 6 पर रिंकू सिंह और नंबर 7 पर एंड्रयू रसल उतरेंगे। तो इस तरह से ये इनका ओपनर और मिडिल ऑर्डर रहने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का। लोअर ऑर्डर की बात करें तो नंबर 8 पर विनय कुमार, नंबर 9 पर पीयूष चावला, नंबर 10 पर कुलदीप यादव और नंबर 11 पर मिचेल जॉनसन के स्थान पर टॉम कोरन की एंट्री हो सकती है। और ये 11 खिलाड़ी दोस्तों खेल सकते हैं KKR की तरफ से। इनके 4 विदेशी खिलाड़ी होंगे दोस्तों, सुनील नारायण, क्रिस लिन, एंड्रयू रसल और टॉम कोरन। तो वही दोस्तों नीतीश राणा और रिंकू सिंह इनके 2 अनकैप्ड खिलाड़ी होने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। दरअसल दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स में अब 3 खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। मिचेल सेंटर पहले ही बाहर हो गए, अभी तक उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आई है। केदार जाधव भी चोटिल हो चुके हैं, उसके अलावा फाफ डू प्लेसिस भी नहीं खेलने वाले हैं, उनकी चोट अभी तक रिकवर नहीं हुई है। और मुरली विजय की चोट भी दोस्तों अपने आधे फेस में ही पहुंची, अभी तक रिकवर नहीं है उनकी। प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों तो सैम बिलिंग शेन वॉटसन के स्थान पर एंट्री ले सकते हैं और अंबाती रायडू के साथ ये ओपनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पर दोस्तों उतर सकते हैं सुरेश रैना, नंबर 4 पर ध्रुव शौरी उतर सकते हैं केदार जाधव के स्थान पर, नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा और नंबर 7 पर ड्वेन ब्रावो उतरेंगे। तो ये दोस्तों इनका अपर और मिडिल ऑर्डर रहने वाला है। लोअर ऑर्डर की बात करें तो नंबर 8 पर दीपक चहर, नंबर 9 पर हरभजन सिंह, नंबर 10 पर मार्क वुड और नंबर 11 पर इमरान ताहिर उतरेंगे। और ये 11 खिलाड़ी चेन्नई की तरफ से खेलेंगे। इनके जो 4 विदेशी खिलाड़ी होंगे वो होंगे सैम बिलिंग्स, उसके अलावा दोस्तों ड्वेन ब्रावो, मार्क वुड और इमरान ताहिर। तो वही दोस्तों दीपक चहर और ध्रुव शौरी इनके 2 अनकैप्ड खिलाड़ी हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेयर टू वॉच आउट फॉर की, मतलब वो खिलाड़ी जिन पर दोनों ही टीमों की तरफ से नजरें रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं KKR की तरफ से। तो सुनील नारायण पर सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी रहने वाली है और ड्रीम 11 और फैंटासी क्रिकेट में ये कमाल कर सकते हैं, क्योंकि सुनील नारायण दोस्तों बल्लेबाजी से भी चल रहे हैं और गेंदबाजी से भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जिस तरह की पिच मिलने वाली है, स्पिनर्स की जंग होने वाली है चेन्नई के MH चिदंबरम स्टेडियम में। अब दोस्तों बात करते हैं CSK के प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की। तो पहले खिलाड़ी हैं दोस्तों इमरान ताहिर। इमरान ताहिर दोस्तों स्पिनर की हैसियत से उतरेंगे और CSK और मेनली वो जो होम ग्राउंड रहने वाला है CSK का, वहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है। और दूसरे जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहने वाला है वो है महेंद्र सिंह धोनी। दरअसल दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी एंट्री ले रहे हैं 2 साल बाद चेपॉक स्टेडियम में और दोस्तों उन पर नज़रें रहेंगी कि किस तरह का परफॉर्मेंस वो करते हैं, क्योंकि दोस्तों चेन्नई के लोकल फ्लेम बॉय बनते हैं और सेकंड होम है उनके लिए। तो दोस्तों ये तो थे 3 प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। इस तरह की और खबर लगातार पाते रहिए IPL 2018 से जुड़ी हुई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आप हमें दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योंकि शायद आगे मैं वहाँ पर भी कुछ अच्छी वीडियोज़ डालूँ।